आज है राखी, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। और मैं हो गई हूँ अभी रेडी, और मतलब सब लोग आ गए हैं राखी बनाने के लिए। लेकिन अभी पौना टाइम हो रहा है, मतलब 2:45 हो रहे हैं, तो जब 3 बजेगी तब बांधेंगे। और मैंने पहना आज ये रेड सूट, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और अभी मैं इसका आपका फुल लुक अभी बाद में दे दूँगी। और मैंने मेहंदी कुछ बनवाई नहीं, बस ऐसे ही लगा ली, क्योंकि है ना यार मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उस मम्मी ने कहा कि उंगली उंगली पर लगा ले, फिर तो जुकाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए। और अभी करते हैं राखी सेलिब्रेशन, और आपके साथ भी करती हूँ पूरे दिन का ब्लॉग शेयर, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो सबसे पहले मैं बांधती हूँ राखी मेरे काकोसा और मेरी मासी के, वैसे मेरी काकी सा भी लगते हैं और मासी भी लगते हैं, तो सबसे पहले मैं इनकी राखी बांधती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मेरे भाइयों की राखी बांधती हूँ। और मतलब पिछले 2 सालों से हम सब एक जगह ही राखी बांध रहे हैं, नहीं तो पहले मैं काकोसा के घर जाती थी, लेकिन अब काकोसा और इधर ही आ जाते हैं, मतलब हमारे घर आ जाते हैं, तो हम एक साथ बैठ के सब राखी सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बांधी मेरे भाई की, और ये है मेरा मासी का बेटा अर्जुन। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हो कि आपका भाई कौन सा है और क्या है, मतलब कितने बहन भाई हो, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट वाला मेरा रियल भाई था, ये मेरी मासी का बेटा, और ये भैया जो है ये मेरे भाई के फ्रेंड है, और इन्होंने मेरे को बहन बना रखी है, तो मैं इनकी राखी बांधती हूँ। और ये है राजवीर, इसको आप सब लोग जानते ही हो, आपने ब्लॉग में भी देख रखा है इसको। और फिर मैं और कोमल एक दूसरे की राखी बांधते हैं, मतलब पहले मैं कोमल की बांधती हूँ और फिर कोमल मेरे बांधती है राखी। तो मैं सबको राखी बांध देती हूँ, उसके बाद में कोमल बांधती है सबको राखी। मतलब हमारे ऐसा होता है कि पहले मैं सबको बांधूँगी, फिर उसके बाद में कोमल सबको बांधेगी। सबके राखी बांधने के बाद में एंड में मैं बांधती हूँ शेरा की राखी। मतलब 2 साल से मैं कंटिन्यू शेरा की राखी बांधती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बांधी थी और इस टाइम भी बांधी थी, क्योंकि यार ये भी एक घर का हिस्सा है तो मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो मैं इसको राखी बांध के, और इसको आज के दिन मतलब मैं मेरे हाथ से मीठा खिलाती हूँ, वैसे मैं इसको खिलाती नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी मिठाई खिलाती हूँ तो ये भी खुश हो जाता है, और ये फिर राखी मेरे से ईजिली बंधवा लेता है। लो झलक तो दिखाओ था कि मासी के लिए, बोल मेरी झलक। हाय गाइस, हाँ भीमा भी आ, बस तो मेरी हाय गाइस कौन बोला ना थे, जरा हाय गाइस बोलवा रही हूँ मासी के लिए। तो अब तो सीख ली हूँ मैं मासी के लिए, हाय गाइस तो सीख ली हूँ मैं। किसकी गाड़ी लेके आए हो आज? पीछे गाड़ी तो है किसकी? सोनेट को, सोनेट से मिला के लाते हैं यहाँ पे, सोनेट तीन हो गए वो लोग। मम्मी कह रही जुआरी तो ले जाओ। मैं घर राखी बंधवा के और निकल गई हूँ ससुराल के लिए। मम्मी को भूख लगती है, कोई बात नहीं, वो तो बच गई। तो अब हम ससुराल जाएंगे, मतलब मैं ससुराल जाऊंगी और फिर मैं वहाँ राखी बंधवाऊंगी डिंपल भाई से, फिर खाना खाएंगे। ओके मुझे पता नहीं क्या जाम लग जाएगी, सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही है, पीछे पीछे बहुत सारी भीड़ सी आ रही है, बहुत सारी वापस घूम घूम के आ रही है। दादी का फाटक पे जाम लग रहा है, उससे मिलेंगे आपको? हाँ ले लो, मैं सर पे उठ लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डिंपल भाई सा ने बांधी हमारे राखी, और बुआ सा और चुनचुन भाई सा भी आए हुए थे राखी बांधने के लिए। तो सबसे पहले डिंपल भाई सा ने बांधी, और डिंपल भाई सा हमारे लिए लेके आए थे एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब हम दोनों के लिए वॉच लेके आए थे, जो कि बहुत सुंदर है। वैसे मैं इस ब्लॉग में दिखाना भूल गई, लेकिन मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी, बहुत सुंदर वॉच है हम दोनों की। और ये हमने डिंपल भाई सा को और आंडा भाई सा गिफ्ट दिए थे। और फिर डिंपल भाई सा हमको वॉच पहना रहे थे, मतलब पहले इनको पहनाई, उसके बाद में इन्होंने मुझे पहनाई। फिर हमको बांधी भुआसा ने राखी, पहले उनको बांधी फिर मेरे को बांधी, और फिर उसके बाद में चुनचुन भाई सा ने हमको राखी बांधी। तो ऐसे करके राखी का सेलिब्रेशन चल रहा था ससुराल में, और मेरी ससुराल में थी फर्स्ट राखी,
तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब मेरे को राखी बनाने का शौक है, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया भी आप लोगों को, लेकिन हमेशा मेरी एक ही राखी बनती है, इस बार मैंने खूब सारी राखी बनी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद में आए थे ये भाभी सा बोलूँ या जीजा बोलूँ, क्योंकि हमारे दोनों रिलेशन हैं तो ये मतलब इनके बहन बने हुए हैं। वैसे मैं इनको भाभी सा ही बोलती हूँ लेकिन ये मेरे ननद भी लगते हैं। तो फिर इन्होंने बांधी हमारे राखी, ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो फिर ये राखी बांधने आए थे तो हमने राखी बांधी और फिर हमने कुछ फ़ोटोशूट भी किया था, रील वील भी बनाई थी। और फिर उन्होंने डिम्पल भाईसा ने बांधी इनकी राखी, क्योंकि ये भी दोनों बहनें हैं, और फिर इन्होंने बांधी डिम्पल भाईसा की, तो ये सब प्रोसेस चल रहा था। आपकी सेक का वीडियो बन रहा है। लोग बाहर फोटोज क्लिक कर लेते हैं अपन। गिर मत जाना। है मीनाक्षी, क्या बोल रहे हैं डिंपल भाई सर? गिर मत जाना। बाय 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 बाय। सीख रह गई। बिना सीख के जा रहे हैं, अब सीख लेके जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। या तो हमारे चैनल को बढ़ाओ यार YouTube पे। तो दाल भी तो सही है बना के, लेकिन टाइमिंग गलत रहती है और बनाती भी तो अलग तरीके से बोलो है ना। बाकी वीडियो सही बनती है, डांस वाली है। क्योंकि वही अगर बैठे तो बताऊँ मैं आ जाऊँगी। कब फ्री हो आप? अकाउंट का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। नहीं आपका जा रहे हो, आपके नहीं, इनके जाने से हमें सरेगा नहीं, इनको तो भेज दो। बाय बाय। और फिर सबसे लास्ट में मासी सा आए थे, तो मासी सा ने मेरे बांधी राखी और उनके वो बाहर वाले रूम में बांध दिया थे, तो इधर फिर वो मेरे बांधे, फिर डिंपल भाई सा के बांधी। मुझे भी दिखाओ। आपने बनाई? आपने बनाई? हाँ, ये डिंपल दीदी की, ये केबी राखी, ये कुछ छोटी। हेलो एवरीवन, तो अभी मतलब यहाँ पे राखी का ऑलमोस्ट हो गया, मतलब सबने राखी बांध दी है, बस अभी मासी आए हुए हैं तो मासी बांध रहे हैं राखी। और आज मुझे मेरा हाथ बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब इतना भरा भरा राखी वाला हाथ, क्योंकि हमेशा क्या मेरे एक ही राखी बनती है, कोमल मेरी बहन जो है वो ही बांधती है मेरी एक राखी, और इस बार मेरे को इतनी सारी राखियाँ देख के ना बड़ी खुशी सी फील हो रही है, इसका भी एक अलग ही मजा है। तो अभी मतलब अभी बज गए हैं 6:30 और अब हम लोग जाएंगे नानी सा के घर पे, क्योंकि मम्मी बांधेंगे मामू सारों के राखी, तो इसलिए तो मैं भी जाऊंगी मम्मी के साथ में और फिर मैं जाऊंगी उसके बाद में घर। तो अभी के लिए तो इतना ही, और आज मैं कर रही हूँ मेरे रूम में ब्लॉगिंग पूरे एक महीने के बाद, मतलब जब मैं यहाँ से गई थी तभी मैंने यहाँ पर ब्लॉग बनाया था, उसके बाद में मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ। लुक भी दिखा देती हूँ इस ड्रेस का, तो ये है मेरी ड्रेस का फुल लुक। नीचे का मैसेज इग्नोर करना। हैंडमेड राखी है हमारे हमारे भाई सर ने बनाई है खुद ने। दिखाना एक बार, इन लगन के दिखाओ, ये देखो खुद ने बनाई है इन्होंने। मैंने पटाखे की उससे बना दी होगी। फिर सबसे बाद में मन्नू भाई सा और हिया भाई सा हमारे राखी बांध रहे थे, तो क्योंकि मासी बहुत लेट आए थे तो इसलिए।
और उसके बाद में अर्णव भाई सर राखी बंधवा रहे थे बाहर वाले रूम में, लेकिन इन्होंने मेरे को देख लिया तो ये रोने लग गए थे। फिर मैं इनको मतलब गोदी में बिठा के फिर मैंने राखी बंधवाई। तो ये हमारे अर्णव भाई चुपको हेलो कर दो, चुपको कितने दिनों बाद हेलो कर दो। लो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, गुड बाय। फोन देने का, फोन देने का, मेरे को देने का फोन। ये क्या कर रहा, ये खुद नहीं उड़ लिया है, खुद नहीं उड़ लिया मृदु। डिम्बरा से मत देखो सही, खुद क्या कर रहे हैं, देखो देखो मोबाइल देखना। बोले कि गाड़ी भर चुकी है, हाँ, बोले सीट पे जगह नहीं है मेरे को बैठने के लिए। मामी से बिठा नहीं रहे मुझे गोदी में, मामी से बिठा नहीं रहे क्या गोदी में, बिठा रहे मामी से तो आपको गोदी में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छी मैं तो मामी चा के पास, ये हमारे ये क्या माना मनु। हेलो हेलो हेलो, तो अभी बज गए रात के 9 और मैं अब जस्ट टाइम घर। मेरे चेहरे की हालत देख सकते हो अब कैसी हुई, मतलब पूरे दिन से। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी चेंज, उसके बाद में देखते हैं क्या करता है। वैसे मैं खाना खा के आई हूँ नानी सर घर पे, मुझे भूख नहीं है तो खाना वाना तो मुझे खाना नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट से। मैंने गले का तो खोल दिया आते आते, तो मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।